आ चुके हैं सिवान। हेलो माय यूट्यूब फैम। तो गाइज आज मैं बता दूं कि आज मैं अभी मैं अयोध्या में रुका हुआ हूं और सभी जगह गाना चल ही रहा है। वो भी कौन सा? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, आऊंगी वैसे, और भी बहुत सारा गाना बज रहा है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग शाम का वक्त हो चुका है, अब सारा सामान पैक हो चुके हैं। हम लोग थोड़ा आराम करने लगे थे, एक दो घंटा का नैप लिए, ताकि हमारा जो है ना वो ट्रैवलिंग करना है, अभी चलाना है गाड़ी तो दिक्कत ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टॉप ले लिया। और अभी जाके दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद से गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी लेके अपना निकल जाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए ब्लॉग को लेके चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि कुछ जो है आप लोगों को रूम दिखा देते हैं कि हम लोग बेसिकली कहाँ पे रुके हुए हैं और कितना चार्ज लगा है इसका। जल्दी से एकदम मस्त रेडी हो चुकी, रंजना को भी दिखा देते हैं कि रंजना भी तैयार हो चुकी है, सारा सामान जो है पैक हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ रूम ऐसा है, और ये हम लोगों को वैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आजकल महंगा मिल रहा है, पर हम लोग बोले कि नहीं, हम लोगों को नहीं रुकना है ज़्यादा देर। ऐसा है कुछ रूम के ऊपर का डिज़ाइन, और ये एसी भी लगा हुआ है, और मिरर से हम लोग दोनों लोग तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अभी ट्रैवलिंग करना है, इसलिए मैं सोची हल्का साड़ी पहन लेती हूँ। और यहाँ पे राम जी का दर्शन करने चलते हैं, और ये है कुछ बेड जो कि हम लोग बस दो तीन घंटा का सोए थे तो हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हरासमेंट टाइप का हो गया था, लेकिन अब जो है फ्रेश हो गए हैं हम लोग यहाँ पे, तो निकला जाए सफ़र के लिए। तब तक आप लोग बने रहिए वीडियो पे, चलिए अब आगे देखते हैं, और हम भी देखते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं कि आगे कैसे क्या दिखता है। तो स्टार्ट करते हैं। बाप रे बाप, इतना ज़्यादा डर भी लग रहा है कि कोई मोबाइल लेके मत चले। तो गाइस ऐसे करके पूरा का पूरा जो एकदम भरा हुआ है, और अभी प्रैक्टिस चल रहा है वहाँ पे, सब लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, कुछ कल होगा जो दीपोत्सव, तो बहुत ज़्यादा मस्त लगने वाला है सारा जगह, जो देखते हैं कितना ज़्यादा दीप लगा हुआ है। ओ भाई, इधर बना हुआ है, उसमें रखा हुआ है।
तो गाइस फाइनली अब ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, और इतना ज़्यादा भीड़ था और वाकई में बहुत ही ज़्यादा मस्त लगा यहाँ पर। आप सब लोग धीरे धीरे करके निकलेंगे घर के तरफ। जय श्री राम। तो गाइस अब सब लोग जा रहे हैं घर पे। यहाँ पे देख सकते हैं इतना अच्छा लाइटिंग लगा हुआ है, इतना मस्त। और कल जो है वो दीपोत्सव है, तो दीप कल जलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा है भाई साहब, कितना मज़ा आया वाकई में। बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगा होगा। अब हम लोग जा रहे हैं वापस। हे गाइस, तो आप लोग को बता दें कि ये है हमारे सामने सरयू नदी, गंगा जी, और यहीं पर जो है आरती होता है। यहीं पे जो है राम जी समाधि लिए थे, और बोला जाता है कि राम जी अमर हो गए थे। तो यहाँ पे बहुत मतलब हम लोगों का ऐसा है, मैं तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, अचानक से जो है एकदम मतलब मैं प्लानिंग किया और बोले कि नहीं, पर आज वाकई में बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत शांति की लगा, इतना अच्छा लग रहा था। और यहीं पर जो है आरती होता है एकदम ऐसे सुकून करके। यहाँ पर फिर रचना भी देख रही है ठीक से, और ये फूल जो है सजा हुआ है देख सकते हैं कितना मस्त। अब सब लोग घर जा रहे हैं, और चलिए थोड़ा सा हम भी पानी को कोशिश करेंगे टच कर लेने के लिए और आशीर्वाद ले लेने के लिए। तो चलिए गाइस आप लोग को भी दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे ही आरती होता है एकदम डेली। यहाँ पे एकदम मछली है पूरा भरा हुआ एकदम चारों तरफ सरयू नदी। उसके आगे जाने के बाद से ना बहुत ज़्यादा है यहाँ मछली में, पैरों मछली लागत है, बहुत ज़्यादा मछली भी है।